दोस्तों, केवीएस की तरफ से हरियाणा में नई टीचर्स रिक्रूटमेंट आई हुई है। पीजीटी टीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स इसमें शामिल हैं, उसी के साथ साथ प्राइमरी शिक्षक हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, कुछ के लिए ऑफलाइन। सारी जानकारी आपको बिल्कुल विस्तार से प्रोवाइड कराई जाएगी। कई अलग अलग नोटिफिकेशन सिंगल वीडियो में शेयर करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और एक एक करके सभी डिटेल्ड नोटिफिकेशन देख लेते हैं बिल्कुल विस्तार से। ये देखिए दोस्तों, पहला नोटिफिकेशन जो आ रहा है वो आ रहा है केंद्रीय विद्यालय पालवास भिवानी की तरफ से। हां जी दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय भिवानी में रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके बाद और भी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रकार की रिक्रूटमेंट में इंटरेस्ट है, अतिथि शिक्षक के रूप में आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्य करना है, तो अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें, क्योंकि लगभग सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस प्रकार की रिक्रूटमेंट फरवरी के लास्ट में और मार्च में निकाली जाती है। सभी की अपडेट तो शायद ही कोई यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करा पाएगा। आप अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली विजिट करते रहें। तो केंद्रीय विद्यालय पालवास भिवानी में जो वैकेंसियां हैं वो है पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस की, टीजीटी में मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत की, पीआरटी की, पीआरटी म्यूजिक टीचर की, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, योगा, नर्स और काउंसलर के लिए पैनल बनाया जाना है। चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी, नियम व शर्तों तथा आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट जो कि है palwas.kvs.ac.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों के साथ भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 6 मार्च 2023 है। हां जी दोस्तों, 6 मार्च 2023 तक आप अपनी एप्लीकेशन स्कूल में जमा करा दीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट palwas.kvs.ac.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। आवेदन पत्र स्वयं आकर जमा करें, अन्य किसी माध्यम से भेजे फार्म स्वीकार नहीं होंगे। पदों के लिए साक्षात्कार दिनांक 15 मार्च 2023 को सुबह 9:30 बजे से केंद्रीय विद्यालय पालवास में लिए जाएंगे। तो ये है केंद्रीय विद्यालय पालवास भिवानी की रिक्रूटमेंट। इसके बाद जो अगली रिक्रूटमेंट है वो आ रही केंद्रीय विद्यालय नूह कारना पलवल की तरफ से। केंद्रीय विद्यालय पलवल द्वारा अंशकालीन अनुबंध के आधार पर सत्र 2023-24 सभी विषयों के लिए अनुबंधित शिक्षकों पीजीटी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, टीजीटी हिंदी अंग्रेजी, संस्कृत, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पीआरटी, काउंसलर, डॉक्टर, नर्स, योग शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, स्पेशल एडुकेटर की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार दिनांक 15 मार्च 2023 को विद्यालय परिसर में होंगे। संबंधित योग्यता हेतु kvsangathan.nic.in अथवा palwal.kvs.ac.in देखे साक्षात्कार के समय व अधिक आवश्यक जानकारी तथा आवेदन पत्र विद्यालय की वेबसाइट palwal.kvs.ac.in पे उपलब्ध है, वहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो तीसरी रिक्रूटमेंट है वो आ रही केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर यमुनानगर की तरफ से। यहां पे भी इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी संस्कृत, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर का 20 मार्च 2023 को, प्राइमरी टीचर म्यूजिक, नर्स का 21-3-2023 को केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर में कंडक्ट कराया जा रहा है। आप 15 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको रजिस्टर करना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एलिजिबल कैंडिडेट्स को सुबह 9 बजे इंटरव्यू वाले दिन रिपोर्ट करना होगा। ये केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर यमुनानगर की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, इसके बाद जो अगली रिक्रूटमेंट है वो आ रही केंद्रीय विद्यालय ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ सोनीपत की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, सीआरपीएफ सोनीपत में केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके साथ शेयर की जाएगी। यहाँ टीजीटी में संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पीआरटी, कंप्यूटर प्रशिक्षक और स्पोर्ट्स कोच का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। gccrpfsonipat.kvs.ac.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 10-3-2023 शाम 5 बजे तक है, तो इनके लिए भी ऑनलाइन ही गूगल फॉर्म लिंक के माध्यम से आपको 10 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन करना होगा। अगर किसी विषय में उम्मीदवार ज्यादा हुए तो साक्षात्कार के लिए उम्मीदवार 17 मार्च 2023 और 18 मार्च 2023 को होने वाले लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित किए जाएंगे। मतलब ज्यादा कैंडिडेट हो जाते
जाते हैं, तो 17 और 18 मार्च को रिटर्न भी यहां कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके बारे में सूचना 15 मार्च 2023 को विद्यालय की वेबसाइट पर दे दी जाएगी। साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची 20 मार्च 2023 शाम 4 बजे तक विद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। साक्षात्कार 23/3/2023 को सुबह 8:30 बजे से विद्यालय परिसर में शुरू हो जाएंगे। अधिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब इन सभी की ऑफिशियल वेबसाइट अब दोस्तों इन सभी केंद्रीय विद्यालयों की ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लीजिए। ये है ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय GCCRPF सोनीपत की, GCCRPF सोनीपत.kvs.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे जरा सा नीचे आएंगे, अनाउंसमेंट दिखाई देगा, व्यू ऑल पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे नोटिस फॉर द क्रिएटिंग पैनल फॉर कॉन्ट्रेक्टल स्टाफ अंडर वेरियस पोस्ट फॉर सेशन 2023-24। यहाँ क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस एंड टेंटेटिव शेड्यूल फॉर क्रिएटिंग पैनल फॉर कॉन्ट्रेक्टल पोस्ट फॉर सेशन 2023-24। यहाँ क्लिक करके आप इंस्ट्रक्शंस और टेंटेटिव शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये लिंक है चौथे नंबर पे, लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर डिफरेंट पोस्ट, तो यहाँ इस डिटेल्स पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको पहले अप्लाई करना होगा। दोस्तों इसके बाद ये ऑफिशियल वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय पालवास की, palwas.kvs.ac.in। दोस्तों ये पालवास एक गांव है, भिवानी के बिल्कुल पास में है। भिवानी का जो नया बस स्टैंड है उसके साथ में ही है ये केंद्रीय विद्यालय, तो भिवानी का केंद्रीय विद्यालय आप इसे बोल सकते हैं। पालवास में स्थित है, पालवास विलेज में। तो ऑफिशियल वेबसाइट palwas.kvs.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे भी अनाउंसमेंट आपको दिखाई देगा, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी दी गई है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे नोटिस रिगार्डिंग इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्टल पोस्ट फॉर सेशन 2023-24 आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए भर के, और कल 6 तारीख तक ही आपको यहाँ जमा कराना होगा, मतलब बाय हैंड यहाँ एप्लीकेशन आपको जमा करानी होगी केंद्रीय विद्यालय पालवास भिवानी में। और इसके बाद जो अगली ऑफिशियल वेबसाइट है वो है पलवल की, palwal.kvs.ac.in। यहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जरा सा नीचे आएंगे, अनाउंसमेंट दिखाई देगा, आप व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट पैनल इंटरव्यू 2023-24 यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसी दिन आपको अपनी एप्लीकेशन साथ में लेके जानी होगी भर के, और एसेंशियल डॉक्यूमेंट सभी आप ले जाइएगा। बाकी की जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। और ये है ऑफिशियल वेबसाइट केंद्रीय विद्यालय बिलासपुर यमुनानगर की, bilaspuryamunanagar.kvs.ac.in। यहाँ पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंसमेंट का सेक्शन है, व्यू ऑल पे आप क्लिक कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों ये नोटिस है कॉन्ट्रेक्टल इंटरव्यू का, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है, मतलब इनके लिए भी आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो गूगल फॉर्म के माध्यम से रजिस्टर करेंगे वही फिर वॉकिन इंटरव्यू अटेंड कर पाएंगे। और ये एलिजिबिलिटी है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 4 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई अपडेट इस सिंगल वीडियो में आपको प्रोवाइड कराई गई। एक यमुनानगर में है, एक पलवल में, एक सोनीपत में, एक भिवानी में। दोस्तों इनके अलावा और भी केंद्रीय विद्यालय हैं हरियाणा में जिनकी तरफ से ये गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो आप अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लें, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा।